नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 75 ऑफ पेपर 2 व्हिच वाज हेल्ड ऑन 11th मार्च 2023। सो इस सेशन में हम प्रश्न पत्र संख्या 2 के प्रश्न 71 से 75 तक की आंसर के साथ साथ उस चैप्टर का हम डिस्कशन करेंगे, उस चैप्टर की चर्चा करेंगे, उस चैप्टर का कंसेप्चुअल क्लेरिटी पर ध्यान देंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि आपने देखा, इसको ये टेस्ट बुकलेट पेपर 2 है, टेस्ट बुकलेट सीरीज डी है। टाइम अलाउड 2 आवर्स, 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स। मैक्सिमम मार्क्स 150। बुकलेट कंटेंस 120 क्वेश्चन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट है, एवरेजली पर क्वेश्चन 1 मिनट। हम ये कैलकुलेशन आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार वी रन शॉर्ट ऑफ टाइम, सो उसको अवॉइड कर सकें। हाँ, ध्यान रखने वाली क्या बात है कि यहाँ पर पेनाल्टी का प्रोविजन है। किस लिए? पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। सो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर का यहाँ पर प्रोविजन है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सही होता है तो इस कैलकुलेशन के अनुसार 1.25 में मार्क्स मिलेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाता है तो उसके लिए उस मार्क्स का 1/3 अप्रॉक्सीमेटली 0.40 उतना पेनल्टी के रूप में डिडक्ट हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन हम वहीं अटेम्प्ट करेंगे जिसका आंसर हमें पता हो, गेसिंग गेम नहीं करेंगे, तुक्केबाजी नहीं करेंगे, इधर उधर से नहीं करेंगे। श्योर सर्टेन है तभी उसको हम टिक करेंगे। टिक करने से पहले हमें सोचना है, टिक करने के बाद सोचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर 2 आंसर आपने दे दिया तब भी उसको रॉन्ग मानेंगे, और अगर 1 आंसर दिए जो गलत है वो तो रॉन्ग होगा ही। इसलिए उसको टिक मार्क करने से पहले आपको सोच विचार कर लेना है। टिक मार्क कर दिए, कर दिए, आगे बढ़ जाइए उसको। सो जो लोग नए हों इस चैनल पर, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इससे पहले वाला जो है अप टू 70, क्वेश्चन नंबर 70 हम इससे पहले वाले सेशन में सॉल्व कर चुके हैं। सो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 71 से सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली ये जो सेशन हमने लिया है इसमें लीव रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच हाफ पे लीव HPL मे बी अलाउड टू बी कम्यूटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट वेयर सच लीव इज यूटिलाइज फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट बाई द लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी। ये इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे अकाउंट में HPL क्रेडिटेड है उस HPL को हम कम्यूटेड लीव में भी लेते हैं, तो अगर इसको हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी लीव लेते हैं, अगर स्टडी लीव के साथ साथ कम्यूटेड लीव लेते हैं तो इंटायर सर्विस में कितने दिन तक ले सकते हैं? आपको पता ही होगा कि जब हम HPL को कम्यूटेड लीव को स्टडी कोर्स के स्टडी लीव के साथ लेते हैं तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम कितना कम्यूटेड लीव स्टडी लीव के समय में ले सकते हैं ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। पूरी सर्विस की बात हो रही है, स्टडी लीव से रिलेटेड हो रहा है। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 180 डेज, एंड द करेक्ट आंसर इज 180 डेज। जी हाँ, आइए इसके चैप्टर के बारे में
इस चैप्टर के बारे में बढ़िया से समझ लेते हैं। सो पहले आप ये देख लें, ये काइंड्स ऑफ लीव है, एक रिवीजन हो जाएगा आपको। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव विच आर क्रेडिटेड डिस्क्राइब्ड बिलो प्रोवाइडेड इन द CCS लीव रूल्स 1972 एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। लीव इज क्रेडिटेड इन एडवांस टू द लीव अकाउंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन ए हाफ ईयर, दैट इज ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि लीव रूल के अनुसार जो हमारे पास जो कुछ लीव है वो लीव सिक्स मंथली बेसिस पे वेल इन एडवांस हमारे एक लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, ऑन 1 जनवरी ऑन 1 जुलाई को क्रेडिट हो जाती है। आपके लिए एक प्रश्न ये है कि ये जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को लीव एडवांस में क्रेडिट हो जाती है वो किस ईयर से शुरू हुआ? जब 1972 लीव रूल बना था उस समय एडवांस क्रेडिट का कोई प्रोविजन नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप अर्नड लीव लेते हैं तो पहले लीव को अर्न करना है। जनवरी से जून तक आप ड्यूटी किए और उस ड्यूटी करने के बाद से आप जुलाई में उस पीरियड के लिए आपने लीव अर्न किया, तो 1972 रूल में तो यही प्रोविजन था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उसको रिलैक्स किया और उन्होंने एडवांस में क्रेडिट करना शुरू किया, ये मान करके कि आप जनवरी से जून तक ठीक से काम करेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। सो चूँकि जनवरी से जून तक प्रेजेंट रहेंगे इसलिए जनवरी से जून तक के पीरियड का जो लीव है वो एडवांस में 1 जनवरी को ही क्रेडिट कर दिया जाता है। किस ईयर से ये रूल लागू हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो कुछ तो हो गया कि डेबिटेड लीव हो गए, जो क्रेडिट होते हैं वो डेबिट होंगे। जो भी लीव एडवांस में हमारे लीव में क्रेडिट होते हैं वो जब हम उस लीव को अवेल करेंगे तो वो डेबिट होते जाएंगे, तो इसलिए वैसे लीव को डेबिटेड लीव कहते हैं। और जो वैसे लीव नहीं होते दे आर स्पेशल काइंड ऑफ लीव विच आर नॉट डेबिटेड टू द लीव अकाउंट। द टेबल, आइए टेबल देख लेते हैं। अर्नड लीव वेल इन एडवांस 1 जनवरी 1 जुलाई को हमारे लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और जब हम लीव अवेल करते हैं तो हमारे अकाउंट से वो डेबिट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डेबिटेड टू लीव अकाउंट। HPL सेम डेबिटेड। कम्यूटेड लीव, कम्यूटेड लीव HPL का ही 50% का फॉर्म है, डेबिटेड। लीव नॉट ड्यू, ये आपके MCQ में क्वेश्चन आता है क्योंकि इसकी चर्चा हम कम करते हैं। सो LND लीव नॉट ड्यू इज ऑल्सो डेबिटेड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑल्सो डेबिटेड। सो ये 5 प्रकार के जो लीव हैं ये डेबिटेड लीव कहलाते हैं, ये डेबिटेड टू लीव अकाउंट होते हैं। लीव में इनको क्रेडिट कर दिया जाता है और वहाँ से वो इसको डेबिट करते रहते हैं। इसके बाद के जो ये जितने भी प्रोविजन हैं इनमें ये नॉट डेबिटेड है, इनको क्रेडिट नहीं किया जाता इसलिए डेबिट नहीं करते, डायरेक्टली इसको अवेल किया जाता है। मैटरनिटी लीव एज एंड व्हेन अराइजेस अवेल स्टार्ट। पैटरनिटी लीव एज एंड व्हेन अराइजेस अवेलिंग स्टार्ट्स। चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, स्पेशल केस डिसेबिलिटी लीव, सीमेंस सिक लीव, हॉस्पिटल लीव, डिपार्टमेंटल लीव, ये सब जितने हैं ये लीव नॉट डेबिटेड है। सो हमें क्या ध्यान में रखना है, ये लिस्ट लंबा है तो आसान क्या है, EL, HPL, कमिटेड लीव, लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, इसको डेबिटेड लीव कहते हैं। इस लिस्ट को आप देखने के बाद से आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, ये प्रश्न उठना ही चाहिए कि कैजुअल लीव इसमें किस कैटेगरी में आता है। देखिए ERP में जब हम खोलते हैं तो कैजुअल लीव को तो क्रेडिट किया जाता है, कैजुअल लीव को क्रेडिट कर देते हैं, तो जब कैजुअल लीव को क्रेडिट कर देते हैं तो वो भी डेबिटेड होना चाहिए। इसके लिए हमें लीव का जो प्रिंसिपल रूल है उसको देखना पड़ेगा और उसके अनुसार लीव इज नॉट
अ काइंड ऑफ लीव, केजुअल लीव, सॉरी, केजुअल लीव इज नॉट ए काइंड ऑफ लीव। केजुअल लीव को हम लीव की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, इसलिए उसको हम इसमें काउंट नहीं किए हैं। लेकिन अगर कहीं प्रश्न बन ही जाता है तो वो भी एडवांस में क्रेडिट हो जाता है, वो भी डेबिटेड में आएगा। आइए देख लेते हैं कमिटेड लीव के बारे में। नॉट एक्सीडिंग हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ HPL ड्यू कैन बी टेकन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। सो जितना भी जैसा जैसा EL हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है और एक्यूमुलेटिव नेचर का होता है, अगर हम अवेल किए तो डेबिट होगा, नहीं अवेल किए तो वो ऐड होते रहता है। उसी तरीके से HPL भी क्रेडिट होता है और क्रेडिट होने के बाद से अगर हम अवेल नहीं किए तो वो एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होते रहता है। तो HPL जो है ले सकते हैं, HPL मीन्स हाफ पे लीव। अगर हाफ पे लीव लेते हैं, 2 दिन का हाफ पे लेते हैं लीव लेते हैं तो 1 दिन का सैलरी कट। आप 1 दिन का एग्जांपल ले, अगर 1 दिन का हम हाफ पे लीव ले लेते हैं तो आधा आधे दिन की सैलरी कट जाएगी। तो क्या करते हैं, सेकंड उपाय क्या है कि सैलरी भी ना कटे और लीव भी ले लें, उसके लिए डबल अमाउंट का HPL लेते हैं। हम 10 दिन का HPL लेंगे और उसको 5 दिन के कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट करेंगे, तो डबल अमाउंट HPL कट गया, इसलिए 5 दिन का कम लीव ले लेंगे आप, कम्यूटेशन लीव, आपकी सैलरी अफेक्ट नहीं होगी, राइट। मैक्सिमम ऑफ 90 डेज ऑफ फॉर ए अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी एंड 60 डेज कैन बी ग्रांटेड टू अ फीमेल एम्प्लॉय इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव। सो कमिटेड लीव का क्या है, कोर्स के लिए, किसी अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी के लिए 90 डेज और मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन के साथ 60 डेज कमिटेड लीव दिया जा सकता है। और कैन नॉट बी ग्रांटेड एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। सो LPR पहले होता था, लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट, इससे पहले कमिटेड लीव नहीं दे सकते। इफ कमिटेड लीव इज टेकन ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज अवेल्ड शुड बी डेबिटेड। सो इन द हाफ पे लीव, जितना दिन हमने कमिटेड लीव अवेल किया उसके डबल कर दीजिए। अगर 10 दिन कमिटेड लीव अवेल किए, यहाँ पर देखिए ये 90 डेज है, अगर 90 डेज के आपने HPL, अगर 90 डेज कम्यूटेड लीव हमने ले लिया फॉर स्पेसिफिक कोर्स ऑफ फॉर कोर्स ऑफ स्टडीज, सो उसका डबल कितना होगा, 180 डेज आपको HPL में से माइनस करना पड़ेगा। एन एम्प्लॉय ग्रांटेड कम्यूटेड लीव क्विट्स सर्विस वॉलंटरली विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी, द कम्यूटेड लीव शैल बी ट्रीटेड एज HPL एंड द एक्सेस लीव सैलरी रिकवर्ड। MCQ क्वेश्चन आता है ये, इफ द रिटायरमेंट इज बाई रीजन ऑफ इल हेल्थ इनकैपेसिटेड हिम फॉर फर्दर सर्विस और इन द इवेंट ऑफ डेथ रिकवरी शुड नॉट बी। सो रूल क्या है, कमिटेड लीव पे कोई एम्प्लॉय गए और उसके बाद से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए, रिजाइन कर दिए, लीव से वापस लौटे नहीं, अगर लीव से वापस लौटे तो उसका नॉर्मल रूल है, लेकिन लीव से वापस लौटे नहीं, घर से ही उन्होंने अपना लेटर भेज दिया, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, आ नहीं सकता हूँ, तो ऐसे में क्या करेंगे, उनका जो कमिटेड लीव होगा उसको HPL में काउंट किया जाएगा और जितना एक्सेस लीव सैलरी उनको दिया गया उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर वो रिटायरमेंट इल हेल्थ के चलते हैं, इनकैपेसिटी के चलते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, रिकवरी नहीं करते हैं। क्यों, कंपेल्ड सिचुएशन हो गया ना, आदमी चल नहीं सकता, बीमार हो गया, अपंग हो गया, कैसे आएगा, सो इसलिए यहाँ पर रिकवरी नहीं करते हैं। कमिटेड लीव मे बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉई इवन व्हेन अर्नड लीव इज ड्यू टू हिम। सो कई जगहों पे ऐसे ऐसे लोग रूल बनाते हैं कि नहीं नहीं आपका EL है तो कमिटेड लीव नहीं मिलेगा, आप पहले EL अपना कंज्यूम कीजिए और तब कमिटेड लीव आप लेंगे। गलत है ये, लीव रूल के प्रिंसिपल के अनुसार गलत है। लीव रूल्स 1972 में क्लियरली मेंशन है कि कमिटेड लीव एक अलग लीव है, अर्नड लीव एक अलग लीव है,
ये दोनों एक दूसरे के कंडीशनल नहीं है। एम्प्लॉय की इच्छा है, अगर वो चाहे तो अर्नड लीव ले और एम्प्लॉय चाहे तो कम्यूटेड लीव ले। इतना ज़रूर है कि कम्यूटेड लीव के लिए इन जनरल मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। स्टडी लीव के लिए, मैटरनिटी लीव की कंटिन्यूटी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें प्रोविज़न क्या है, कमिटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। सो कमिटेड लीव क्या है, जितना हाफ पे लीव हमारे अकाउंट में रहेगा उस हाफ पे लीव का हाफ कमिटेड लीव। अगर 20 डेज हमारे अकाउंट में हाफ पे लीव है तो या तो मैं 20 डेज हाफ पे लीव ले सकता हूँ और नहीं तो उसका 50% जो होता है 10 होता है, तो 10 डेज में कमिटेड लीव ले सकता हूँ। साथ में क्या लगाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, अर्थात मेडिकल ग्राउंड पे ले सकते हैं। द अथॉरिटी कंपेटेंट टू ग्रांट लीव इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ए रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायरी। सो कमिटेड लीव तभी सेंक्शन किया जाता है जब अथॉरिटी को ये लगता हो कि ये कमिटेड लीव पे जा रहे हैं और ये लौट के आएंगे, भाग नहीं जाएंगे, उधर से उधर रिजाइन नहीं मार देंगे, उसमें एस्पेक्ट है कि नहीं ये लीव ले रहे हैं और लीव जैसे ख़त्म होगा वहाँ से वापस आ जाएंगे, तभी जाकर के उनको कमिटेड लीव दिया जाता है। व्हेन कमिटेड लीव इज ग्रांटेड ट्वाइस द नंबर ऑफ सच लीव शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव ड्यू। सो कमिटेड लीव हम जितने दिन का लेंगे, 5 दिन का कमिटेड लीव लेंगे तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 10 डेज, ट्वाइस है ना। सो अगर 5 दिन का कैजुअल लीव लेते हैं, कमिटेड लीव लेते हैं, तो 10 डेज का हाफ पे लीव हमारे लीव अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। हाफ पे लीव अप टू मैक्सिमम ऑफ 180 डेज मे बी अलाउड टू अ कम्यूटेड ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। यही हमारा क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में यही था, मैक्सिमम ऑफ 180 डेज मे बी अलाउड टू कमिटेड ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट वेयर सच लीव इज यूटिलाइज्ड फॉर अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। सो नॉर्मली कितना, 90 डेज। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये नॉर्मली जो है 90 डेज है, नॉर्मली 90 डेज स्टडी को स्टडी लीव के लिए, नॉर्मली 60 डेज इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेटर्निटी लीव के लिए, लेकिन एक्सेप्शनली 180 डेज फॉर स्टडी लीव ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। पूरी सर्विस में स्टडी लीव के लिए मैक्सिमम 180 डेज, 90 डेज एक बार ले लिए, दूसरी बार मैक्सिमम 90 डेज ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि तीसरे कोर्स में फिर से 90 डेज, नॉट अलाउड, 180 डेज मैक्सिमम ले सकते हैं। वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन ग्रांटेड कम्यूटेड लीव रिजाइंस फ्रॉम सर्विस और हिज रिक्वेस्ट परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरली। सो अगर वो रिटायर करते हैं तो उनका कम्यूटेड लीव जो होगा वो हाफ पे लीव को ट्रीट करके और उनसे रिकवरी की जाएगी। यहाँ पर सेम रूल है, कम्यूटेड लीव में ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इवन वेन अर्नड लीव इज ड्यू टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ड्यूरिंग वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजूरी लीव, रील इसको बोलते हैं, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजूरी लीव बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन। सो क्या है, ये वर्क रिलेटेड इलनेस है, वर्क रिलेटेड इंजूरी है, तो अगर वर्क रिलेटेड इलनेस है, वर्क रिलेटेड इंजूरी है, तो हो सकता है कि शुरू में हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद से, डिस्चार्ज के बाद से कुछ दिन घर पे रेस्ट करना पड़े, तो उसके बारे में रूल क्या कहता है, बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर ऑफ द CAPF विल बी इंटाइटल टू फुल पे एंड अलाउंसेस। सो इसमें क्या चीज़ देखना है, रील से रिलेटेड होना चाहिए, बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, पर्सन बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर्स होना चाहिए। अब उसके बाद से कितने दिन के लिए उनको फुल पे एंड अलाउंसेस के साथ वो छुट्टी दी जा सकती है, प्रश्न ये है, 30 मंथ,
24 month, 6 month, no limit regarding the period. And the correct answer is no limit regarding the period. क्यों? अरे work related illness है, work related injury है. This illness or injury has arisen out of the employment, in the during the course of employment. So ऐसे में hospitalization के लिए तो payment मिलेगा, full pay मिलेगा, allowances मिलेंगे. Beyond hospitalization also, डॉक्टर अगर रेस्ट करने के लिए देते हैं तो उस पीरियड का भी कोई लिमिट नहीं है. जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक उनको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे. आइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 30 अगस्त 2019 का ऑर्डर देख लेते हैं. अमेंडमेंट इन द सीसीएस रूल 1972 सबकंसिक्वेंट अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 7 सीपीसी. सो ये अमेंडमेंट का बोल रहे हैं कि 14 दिसंबर 18 से इफेक्टिव है. ये ऑर्डर आया है अगस्त 19 में, बट रेगुलराइजेशन के लिए ये 14 दिसंबर 18 से अफेक्टेड है. सो सीसीएल मे बी ग्रांटेड एट 100% ऑफ द लीव सैलरी फॉर द फर्स्ट 365 डेज एंड 80% ऑफ लीव सैलरी फॉर द नेक्स्ट 365 डेज. सॉरी, ये CCL हो गया. हमें जो करना था वो इल का करना था, ये गलत आ गया है. एक मिनट, रिल का, ये यहाँ से रिल शुरू है. स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड अंडर रूल 44 हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय अ न्यू लीव नेम्ड वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव रिल विच विल बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु सफर्स इलनेस और इंजरी दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हर और हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और इन कंसिक्वेंट ऑफ हर और हिज ऑफिशियल पोजिशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिल. Full pay and allowances will be granted to all employees during the entire period of hospitalization of on account of RIL. So, जितने दिन तक work related illness और injury से के कारण hospitalization में रहते हैं, जितने दिन तक hospitalization रहते हैं उतने दिन का full pay and allowances किसके लिए? सबके लिए, चाहे officer हों और चाहे पर्सन्स बिलो द ऑफिसर्स रैंक को, सबके लिए हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन आपका पे एंड अलाउंसेस मिलता रहेगा. बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन का क्या है? मतलब हॉस्पिटल से निकल गए, घर पे आ गए, रेस्ट पे आ गए, इसके लिए कुछ कंडीशन अलग अलग है. गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन मिलिट्री ऑफिसर्स विल बी पेड फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर द फर्स्ट 6 month इमीडिएटली फॉलोइंग द हॉस्पिटलाइजेशन. सो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, अदर देन मिलिट्री ऑफिसर की बात हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 6 month तक अगर लीव पे रहते हैं, रिल पे रहते हैं तो फुल पे, और उसके बाद अनदर 12 month के लिए हाफ पे, अनदर 12 month के लिए हाफ पे. इनिशियल देखिए इसमें 3 spell हो गया, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन फुल पे, आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर नेक्स्ट 6 month अगेन फुल पे, उसके बाद वाला जो 12 month है वो हाफ पे हो जाता है. हाफ पे पीरियड मे बी कम्यूटेड टू फुल पे विद कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ HPL डेबिटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज लीव अकाउंट. सो इस जो हाफ पे लीव है इसको फुल पे पे में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर रिल को रिल के बदले में HPL काउंट किया जाता है तो. फॉर ऑफिसर्स ऑफ द CAPF के ऑफिसर्स को फुल पे एंड अलाउंसेस विल बी पेड फॉर 6 month फॉलोइंग हॉस्पिटल एंड फुल पे मनली फॉर द नेक्स्ट 24 month. देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, CAPF के जो ऑफिसर हैं
हॉस्पिटलाइजेशन में फ्री होगा। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद से जब वो लीव पर जाते हैं तो उसमें फुल पे एंड अलाउंसेस 6 मंथ का मिलेगा, फुल पे एंड अलाउंसेस 6 मंथ के मिलेंगे। उसके बाद के जो 24 महीने हैं, उसके बाद जो 24 महीने हैं इसमें फुल पे मिलेगा, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। इसमें नेक्स्ट 24 मंथ के लिए मंथली एंड मंथली अलाउंस फुल पे नॉट अलाउंसेस। नेक्स्ट, पर्सनल बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ए CAPF विल बी पेड फुल पे एंड अलाउंसेस विद नो लिमिट रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ लीव। ये क्वेश्चन में आया है, यही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सो जो बिलो ऑफिसर्स रैंक में CAPF में कार्यरत हैं उनके लिए रिल के पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड कोई लिमिट नहीं है। जितने समय तक वो बीमार रहेंगे, डॉक्टर लिखते रहेंगे, उतने समय तक उनको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलते रहेंगे। इन केस ऑफ पर्सन टू होम द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाइज द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेएबल अंडर रिल शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, नो EL और HPL विल बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड दैट एम्प्लॉय इज ऑन रिल। अब देखिए साहब, ऐसा है, EL और HPL, EL मतलब अर्नड लीव है। सो अर्नड लीव तो तभी होता है ना, अर्न करेंगे, अगर हम जॉब करेंगे, ड्यूटी पे जाएंगे और उससे हम अर्न करते हैं। अगर हॉस्पिटलाइजेशन में रह गए, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद से डॉक्टर ने 6 मंथ 1 ईयर का लीव दे दिया, रिल में आप रह गए, तो अगर रिल में रह गए तो फिर आप ड्यूटी पे नहीं गए, आपने काम नहीं किया, और जब आपने ड्यूटी पे नहीं गए, आपने काम नहीं किया, तो EL और HPL जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को एडवांस में क्रेडिट हो जाता है वो यहाँ पर क्रेडिट नहीं होगा। सो उसी को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, फुल पे एंड अलाउंसेस टू ऑल एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन रिल शैल बी गवर्न्ड। क्या है इसमें, इसमें फुल पे फॉर 6 मंथ, हाफ पे फॉर 12 मंथ। ये ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF, 6 मंथ फुल पे फॉर नेक्स्ट 24 मंथ मंथली पे। पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक इन CAPF फुल पे एंड अलाउंसेस विद नो लिमिट रिगार्डिंग पीरियड। इनकेस ऑफ पर्सन, ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाले हो गए, और ये ध्यान ये रहना है कि जिस जितने पीरियड तक हम रिल में रहते हैं, कोई एम्प्लॉय रिल पे रहते हैं, उस पीरियड के अगेंस्ट में EL और HPL क्रेडिट नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 73, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच मे बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर दैन अ हेल्थ सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस इज लिमिटेड टू। सो इसमें हमें क्या देखना है, हमें इसमें ये देखना है कि स्टडी लीव मैक्सिमम इंटायर सर्विस पीरियड में, देखिए मैक्सिमम की बात जब हम करेंगे तो दो कंडीशन होंगे, विद इन अ ईयर और ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस, ये प्रश्न उठेंगे। यहाँ पर विद इन अ ईयर नहीं है, यहाँ पर ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस है। और दूसरा इसमें क्या चेंज है, फॉर टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स। इसका मतलब सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स के लिए स्टडी लीव का अलग रूल है, और इनके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए स्टडी लीव का अलग रूल है। इज इट 12 मंथ, इज इट 24 मंथ, इज इट 36 मंथ, इज इट 48 मंथ। सो आपको पता है स्टडी लीव जो है इंटायर कैरियर में 24 मंथ ले सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टडी लीव नहीं ले सकते। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच मे बी ग्रांटेड टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर शैल बी ऑर्डिनरली 12 मंथ एट एनी टाइम, ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस 24 मंथ। सो बहुत ईजी है, किसी एक समय में 12 मंथ ले सकते हैं एट ए टाइम,
एट ए टाइम, एट ए स्टेज 12 मंथ का ले सकते हैं, और नहीं तो इंटायर सर्विस में एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार लिए हैं उसको मिला के 24 मंथ का ले सकते हैं। जब सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स की बात आए तो दे कैन बी ग्रांटेड फॉर 36 मंथ। सो नॉर्मली 12 मंथ इंटायर सर्विस, 24 मंथ एंड सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स के लिए 36 मंथ। आइए देख लेते हैं स्टडी लीव के बारे। इट मे बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय विद नॉट लेस देन 5 ईयर सर्विस। सो स्टडी लीव का पहला कंडीशन ये है कि जिस गवर्नमेंट सर्वेंट के पास 5 ईयर की सर्विस हो चुकी होगी, ही इज ओनली एलिजिबल फॉर स्टडी लीव। द पार्टिकुलर स्टडी और स्टडी टूर शुड बी अप्रूव्ड। सो स्टडी लीव अप्रूव्ड होना चाहिए। इट कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर स्टडीज आउट ऑफ इंडिया इफ फैसिलिटीज फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ सच स्टडीज आर अवेलेबल इन इंडिया। जो फैसिलिटी, अगर आपको MBA करना है और आप MBA UK में करना चाहते हैं बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, MBA की फैसिलिटी इंडिया में है ना, तो अगर MBA की फैसिलिटी इंडिया में है तो इंडिया में अगर आप करेंगे तो स्टडी लीव दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अब्रॉड में करते हैं, आप अपनी इच्छा से कीजिए, स्टडी लीव तो नहीं दिया जाएगा। टू एन ऑफिशियल हु इज ड्यू टू और हैज़ द ऑप्शन टू रिटायर विद इन 3 ईयर्स ऑफ हिज रिटर्न टू ड्यूटी आफ्टर द स्टडी लीव। सो स्टडी लीव उन्हीं को दिया जाएगा जो स्टडी लीव से रिटर्न होने के बाद मिनिमम 3 ईयर तक उनकी सर्विसेज बची हुई है। अगर उनकी 3 ईयर से कम सर्विस बची है तो वो जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता, इसलिए हम ऐसा परमिशन नहीं देते। टू सेम ऑफिशियल विद सच फ्रीक्वेंसी एज टू रिमूव हिम फ्रॉम कंटेक्ट विद हिज रेगुलर वर्क और कॉज कैडर डिफिकल्टीज ओइंग टू हिज एब्सेंस ऑन लीव। द मैक्सिमम पीरियड इज 24 मंथ्स इन द इंटायर सर्विस एंड मे बी ग्रांटेड एट ए स्ट्रेच और इन डिफरेंट स्पेल। सो जो मैक्सिमम पीरियड है 24 मंथ का, वो एट ए टाइम भी ले सकते हैं और नहीं तो डिफरेंट स्टेज में भी ले सकते हैं, डिफरेंट स्पेल में भी ले सकते हैं। बट मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस अब्सेंस इंक्लूडिंग वेकेशन इफ एनी बट एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव शुड नॉट एक्सीड 28 मंथ। इसको भी ध्यान रखना है। स्टडी लीव विल नॉट बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट। स्टडी लीव क्या होता है? डेबिटेड लीव नहीं है। पहले ये क्रेडिट करके डेबिट नहीं होता है, इसलिए इट विल नॉट बी डेबिटेड। इफ द कोर्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ स्टडी लीव, द ऑफिशियल शुड रिज्यूम ड्यूटी ऑन कंक्लूजन ऑफ द कोर्स और द एक्सेस पीरियड मे बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी। अगर कोर्स 36 मंथ का है, स्टडी लीव 24 मंथ का मिलता है, 12 महीने का कमी हो गया, तो उस 12 महीने के लिए अगर वो दो, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो कोर्स वहीं पे छोड़ करके ड्यूटी ज्वाइन कर लें, और नहीं तो कोर्स को कंटिन्यू रखें और उन ऑर्डिनरी लीव के लिए उसको कन्वर्ट कर देंगे। रिक्विजिट बॉन्ड्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड। बॉन्ड तो देना ही है। फॉर लीव टू बी स्पेंट आउटसाइड इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज एग्रीमेंट फॉर रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नेसेसरी बिफोर इट्स ग्रांट। लीव सैलरी आउटसाइड इंडिया, पे लास्ट ड्रॉन प्लस DA एंड HRA एंड इन एडिशन टू द स्टडी अलाउंस एडमिसिबल। ये आउटसाइड इंडिया में अगर आप स्टडी लीव में जाते हैं तो पे लास्ट ड्रॉन प्लस DA प्लस HRA इन एडिशन टू द स्टडी अलाउंसेस एडमिसिबल। अगर इंडिया में करते हैं, लीव सैलरी विल बी इक्वल टू पे लास्ट ड्रॉन प्लस DA प्लस HRA प्लस स्कॉलरशिप। HRA इज पेएबल फॉर द फर्स्ट 180 डेज 6 मंथ एट द रेट अप्लीकेबल एट द लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी। कंटिन्यूएंस बियॉन्ड 180 डेज विल बी सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट फॉर द ड्रॉल। इफ एन ऑफिशियल आफ्टर अवेलिंग ऑफ स्टडी लीव रिजाइंस फ्रॉम सर्विस और अदरवाइज क्विट्स विद इन 3 ईयर्स आफ्टर रिटर्न टू द ड्यूटी। सो जैसा कि हमने बताया कि
तीन साल से कम जिनकी सर्विस है दे विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड ऑन स्टडी लीव। अगर कोई तीन साल से ज़्यादा जिसकी सर्विस है स्टडी लीव करके आ गए और स्टडी लीव करने के बाद से रिज़ाइन कर दिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, जितना भी उसका उनको पे किया गया है लीव सैलरी जितनी भी पे की गई वो सारी लीव सैलरी उनको रिफंड करना पड़ेगा, मतलब बिना पे का उनका लीव होगा, वो लीव पीरियड होगा। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी स्टडी अलाउंस कॉस्ट ऑफ फी टी ए अनदर एक्सपेंसेस इफ एनी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सबको लौटाना पड़ेगा। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय द एजेंसी, इनको भी लौटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग entitlement for leave encashment of a government servant retiring on attaining the normal age prescribed for retirement. So आपको पता ही है EL और HPL जो है वो accumulate होते रहते हैं, अगर उसको avail कर लिए तो वो debit हो जाएगा, नहीं avail किए तो वो add होते रहता है, accumulate होता रहता है। तो जो एक्यूमुलेट होता रहता है उसको जिस समय रिटायर होते हैं सुपर एनुएट होते हैं उस समय जितनी लीव हमारी एक्यूमुलेट हुई है उतनी पीरियड का हम इनकैशमेंट कराते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये नीचे स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है। द ओवरऑल लिमिट फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग बोथ अर्नड लीव एंड हाफ पे लीव शैल नॉट एक्सीड 300, सही है। इनकैशमेंट 300 से ज़्यादा डेज का हो ही नहीं सकता। किसी किसी एम्प्लॉय के क्रेडिट में 500 डेज का ईएल है, रख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकैशमेंट 300 डेज का ही होगा, 200 आपका लैप्स कर जाएगा। तो दिस रूल इज अप्लीकेबल फॉर अर्नड लीव ऑल्सो एंड एचपीएल ऑल्सो। सो अगर आपके क्रेडिट में 280 डेज ईएल है 280 डेज ईएल है और HPL 50-60-70 जितने भी हैं तो उनका 20 डेज HPL हम इसमें जोड़ सकते हैं, 280 डेज EL और 20 डेज का HPL जोड़ेंगे तब जाकर 300 डेज हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, 20 डेज का जो हम HPL जोड़ रहे हैं वो हाफ पे लीव है, तो फाइनली आपको जो इनकैशमेंट मिलेगा वो उस 20 डेज का नहीं, उस 20 डेज के हाफ का 10 डेज का मिलेगा। दैट मीन्स इनकैशमेंट आपका होगा, पैसे जो मिलेंगे वो 290 डेज के ही मिलेंगे, नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन 300 का होगा। टू मेक अप द शॉर्टफॉल इन अर्नड लीव एक्युमुलेशन ऑफ हाफ पे लीव शैल आल्सो बी परमिसिबल, कम्यूटेशन ऑफ हाफ, टू मेकअप द शॉर्टफॉल इन अर्नड लीव कम्यूटेशन ऑफ हाफ पे लीव शैल, ये गलत है, कम्यूटेशन नहीं हो सकता, हाफ पे लीव चलेगा कम्यूटेशन नहीं चलेगा, ये गलत है। द कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी शैल बी पेएबल इन मंथ लमसम एज वन टाइम सेटलमेंट, ये तो आपको भी पता है जब रिटायर होते हैं तो लमसम अमाउंट मिलता है, वन टाइम मिलता है, ये आपका 300 दिन का 10 महीना हुआ, 10 महीने का ये आपका लीव सैलरी है, ये इनकैशमेंट है, आप ले लीजिए। सो इसमें क्या आंसर होगा, 1 और 3 आंसर होगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। लीव कैश पेमेंट इन लीव ऑफ लीव बियॉन्ड द डेट ऑफ रिटायरमेंट कंपलसरी रिटायरमेंट और क्विटिंग ऑफ सर्विस नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट बियॉन्ड द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, 60 साल में रिटायर हो गए, रिटायर होने के समय में 500 उनके पास ईएल बचा हुआ है, क्या करेंगे, रिटायर के बाद वो ले लेंगे क्या, नहीं ले सकते। लीव की ज़रूरत तभी पड़ती है जब सर्विस में है, जब एक बार सर्विस से बाहर निकल गए तो आपकी लीव की ज़रूरत, आप तो ऐसे ही ऑलरेडी लीव पे हैं, तो इसलिए जो लीव आपने एक्युमुलेट किया है अगर वो विद इन 300 तो एक्युमुलेट इनकैशमेंट हो जाएगा, नहीं तो वो लैप्स कर जाता है, द डेट ऑफ हिज फाइनल सेसेशन ऑफ ड्यूटीज उसके बाद से लैप्स हो जाता है, द डेट ऑफ हिज रिटायर्स उसके बाद से खत्म हो जाता है, द डेट ऑफ रेजिग्नेशन इसके बाद से खत्म हो जाता है। सो टोटली जो होता है 300 डेज का होता है, इसका कैलकुलेशन क्या है, कैश इक्विवेलेंट फॉर अर्नड लीव। सो जैसा कि हमने बताया पहले आपको, ये जो 300 डेज में अर्नड लीव भी आता है
इस 300 डेज में HPL भी आता है। तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं अर्नड लीव का। पे एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लस DA एडमिसिबल ऑन दैट डे, एक महीने का। मान लीजिए सितंबर में कोई रिटायर हो रहा है, तो सितंबर में वन मंथ में उनका पे एंड DA, पे जो उनका पे लेवल है, पे लेवल प्लस DA, इनको डिवाइडेड बाई 30 कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, एक दिन का निकल जाएगा। ये वन मंथ का है, इसको डिवाइडेड बाई 30 कर दीजिए। चाहे महीने 31 डेज के ही क्यों ना हो, तब भी 30 से ही काउंट करना है। 31 डेज का होगा तब भी 30 से इसको डिवाइड करना है। सो जितना आपका पे प्लस DA बनता है डिवाइडेड बाई 30 कर दीजिए, तो वन डे का निकल गया, मल्टीप्लाइड बाई जितना दिन आपका अर्नड लीव इन कैश होना है। 300 है तो 300, ठीक है। कैश पेमेंट इन लीव ऑफ हाफ पे। अब हाफ पे का लीव कंपोनेंट कैसा होता है, हाफ पे लीव सैलरी एडमिसिबल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। सो हाफ पे मतलब एक दिन का अगर आपका 5000 रुपीज़ बनता है, तो हाफ डे का 2500 बनेगा। सो 2500 का प्लस DA ऐड कर दीजिए, उसमें 30 से डिवाइड कर दीजिए, और जितने डेज का आपको वहाँ पर बन रहा है HPL उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। द ओवरऑल लिमिट फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव इंक्लूडिंग बोथ अर्नड लीव एंड हाफ पे लीव शैल नॉट एक्सीड 300 डेज। कम्यूटेड नहीं होता। टू मेक अप फॉर शॉर्ट फॉल इन अर्नड लीव नो कम्यूटेशन ऑफ हाफ पे लीव शैल बी परमिसिबल। ये 2009 के ऑर्डर से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 75 है, और 75 में क्या है, स्पेशल कैजुअल लीव एडमिसिबल टू अ मेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर अंडरगोइंग वैसेक्टोमी ऑपरेशन। मेल का जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन होता है उसको वैसेक्टोमी कहते हैं, फीमेल का जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इज टू एक्सटेंड फॉर ऑफ नॉट एक्सीडिंग। सो कहने का मतलब क्या है कि वेसेक्टोमी ऑपरेशन के लिए जब मेल गवर्नमेंट सर्वेंट वेसेक्टोमी ऑपरेशन कराते हैं, तो उनको कुछ स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाता है। वो कितना दिन होता है, 2 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज, 5 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज, एंड करेक्ट आंसर इज 5 वर्किंग डेज। जब मेल सर्वेंट स्वयं का वेसेक्टमी करवाते हैं, तो उनको 5 डेज वर्किंग का स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है, और जब इनकी वाइफ होगी, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होगी, अगर वाइफ होगी और वो अगर ट्यूबेक्टोमी कराती है, तो उस कंडीशन में मेल को 3 वर्किंग डेज का लीव स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। आइए देख लेते हैं स्पेशल कैजुअल लीव फॉर फैमिली प्लानिंग। मेल इम्प्लॉयज मैक्सिमम ऑफ 5 वर्किंग डेज एडमिसिबल फॉर वेसेक्टोमी ऑपरेशन। वेसेक्टोमी ऑपरेशन के लिए मेल एम्प्लॉय को मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वर्किंग डेज मेंशन होना चाहिए, ये सिर्फ डेज नहीं चलेगा, वर्किंग डेज सिर्फ 2 डेज होगा रॉन्ग हो जाएगा, वर्किंग डेज मेंशन होना चाहिए। सेकेंड टाइम ड्यू टू फेलर ऑफ द फर्स्ट अनदर 6 डेज। सो पहली बार तो 5 डेज, अगर आपका ऑपरेशन ही फेल हो गया तो इसके बाद 6 डेज। मैक्सिमम ऑफ 21 डेज फॉर अंडरगोइंग रीकैनलाइजेशन ऑपरेशन। मैक्सिमम ऑफ 3 डेज इफ हिज वाइफ अंडरगोज ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक, सेप्लिंगेक्टोमी ऑपरेशन, द लीव शुड फॉलो द डेट ऑफ ऑपरेशन। डेट ऑफ ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से लीव आपका शुरू होता है। द लीव शुड फॉलो द डेट ऑफ ऑपरेशन, सॉरी, डेट ऑफ ऑपरेशन से ये आपका लीव काउंट होता है, 5 दिन का हो चाहे 3 दिन का हो, ये डेट ऑफ ऑपरेशन से काउंट होता है, ठीक है। 5 दिन सेल्फ के लिए और 3 डेज अगर वाइफ का ट्यूबेक्टोमी हो रहा है तो उनके देखभाल के लिए।
फैमिली प्लानिंग फॉर फीमेल एम्प्लॉई, यहाँ पर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इनको मैक्सिमम ऑफ 10 डेज एडमिसिबल टू ट्यूबेक्टोमी। सेकेंड टाइम ड्यू टू फेलर मैक्सिमम 10 डेज, मिनिमम 10 डेज एडमिसिबल फॉर सेल्पी जेक्टोमी ऑपरेशन आफ्टर मेडिकल MTP, एडमिसिबल ऑन द डे ऑफ IUCD इंसर्शन। सो ये 1 डे के लिए है। मैक्सिमम ऑफ 21 डेज एडमिसिबल अंडर गोइंग रिकैनलाइजेशन ऑपरेशन। द वुमेन एम्प्लॉय फॉर 1 डे ऑन द डे देयर हस्बैंड अंडर गो वैसेक्टेमी। सो यहाँ पर पहले में क्या हुआ था, हस्बैंड को 3 डेज का मिलता था जब एम्प्लॉय की वाइफ का ऑपरेशन होता था। यहाँ पर अगर जो लेडीज हैं, जो वीमेन एम्प्लॉय हैं, उनका अगर सेटलाइजेशन ऑपरेशन होगा और हस्बैंड अगर द वुमेन एम्प्लॉय फॉर 1 डे ऑन द देयर हस्बैंड, अगर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हस्बैंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हस्बैंड अगर वैसेक्टोमी कराते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 1 डे की ही छुट्टी मिलेगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 71 से 75 को सॉल्व किया, जो बेसिकली लीव से रिलेटेड था। इसमें हमने कंसेप्चुअल क्लेरिटी पर ध्यान दिया, क्वेश्चन के साथ साथ उस चैप्टर को भी हम समझे। पर्पस ये है कि उससे रिलेटेड उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम सॉल्व कर सकें। आज का नीति श्लोक, और नीति श्लोक क्या है, ये गणेश जी की वंदना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके लिए शब्दशः अर्थ लेकर के आए हैं। वक्रतुंड मीन्स घुमावदार सूंड। गणेश जी का आपने देखा ना फोटो, उनका जो सूंड होता है घुमावदार होता है, सीधा नहीं होता। हाथी का सींड जो सूंड होता है वो सीधा होता है, हाथी का जो सूंड होता है वो सीधा होता है, गणेश जी का सूंड सीधा नहीं होता। महाकाय, महाकाय मीन्स विशाल शरीर, बहुत बड़ा शरीर। सूर्य कोटि समप्रभा, सूर्य कोटि मतलब सूर्य के समान भी होता है, और कोटि का एक अर्थ होता है करोड़ भी होता है, तो सूर्य के समान भी हो सकते हैं और नहीं तो करोड़ सूर्य के समान। समप्रभा महान प्रतिभाशाली है, सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली है। निर्विघ्न मीन्स बिना विघ्न के, कुरु मतलब पूरी करें, मे मीन्स मेरे होता है, देव मीन्स प्रभु होता है, सर्व कार्येषु मीन्स सारे कार्य, सर्वदा हमेशा सदैव अर्थात घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय वाले, करोड़ों सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरी करने की कृपा करें। हम ऐसे बोल करके भगवान श्री गणेश से आशीर्वाद लेते हैं। आप भी, वैसे तो आपको लर्न होगा ही, फिर भी अगर लर्न नहीं होगा तो याद कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश सबको सद्बुद्धि दें। ये आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, जिस पर RTI की क्लासेज हैं, जिस पर जुडिशरी की क्लासेज भी हैं, जिस पर ESIC डेप्टी डायरेक्टर की क्लासेस हैं, जिस पर SSO प्रोबेशन क्लियरेंस की एग्जाम की क्लासेस हैं, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।